गुड मॉर्निंग 10th क्लास। पिछली क्लास में हमने सूरदास के पद किए थे, जिसमें पद नंबर 1 और 2 हो चुके हैं, और आज हम आपको पद नंबर 3 हम ले रहे हैं। 3 और 4 आज हम करवाएंगे। तो आशा करती हूँ आपको पिछले समझ आ गए होंगे। और अब आप देखिए, इसमें जैसी स्थिति हमने बताई थी आपको कि कृष्ण के वियोग में गोपियाँ तड़प रही हैं, और उद्धव जो हैं वो योग का संदेश लेकर गोपियों के पास आए हैं। तो गोपियाँ जो हैं भ्रमर को सामने संबोधित करके उद्धव को जो संदेश देती हैं, उद्धव पर व्यंग बाण कसती हैं, तो वो इसीलिए भ्रमर को संबोधित किया गया है। इसीलिए इस गीत का नाम भ्रमर गीत भी है। तो देखिए कैसे कहती हैं गोपियाँ, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वपन दिवस निसी काना काना जकरे। हमारे हरि, हरि का अर्थ यहाँ पर है श्री कृष्ण, और हारिल की लकड़ी, हारिल एक पक्षी होता है जिसको जिस लकड़ी पर वो बैठता है उस लकड़ी से इतना प्रेम हो जाता है कि उसको अपने पंजों में जकड़ के रखता है, उसे छोड़ता नहीं है। तो श्री कृष्ण के प्रेम को, जो लकड़ी का मतलब लकड़ी है, श्री कृष्ण के प्रेम को उन्होंने वो लकड़ी कहा है। और हारिल कौन हो गई? गोपियाँ। गोपियों ने स्वयं को हारिल पक्षी के समान बताया है, और लकड़ी को श्री कृष्ण के प्रेम के समान बताया है, और कहा है कि जैसे हारिल पक्षी के लिए उसकी लकड़ी बहुत प्रिय होती है, ऐसे श्री कृष्ण का प्रेम हमारे लिए बहुत प्रिय है, अर्थात हम उसे छोड़ नहीं सकती। मन क्रम वचन ध्यान वचन नंदन उर, मन वचन और कर्म से हम श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। नंदनंदन कहा गया श्री कृष्ण को, क्योंकि वो नंद के पुत्र थे, और नंदन का मतलब बेटा, नंदनंदन यानी नंद का बेटा श्री कृष्ण। उर मतलब हृदय, वो हमारे हृदय में मन क्रम वचन से समाया हुआ है। यह दृढ़ करी पकड़ी, इस बात पर हम दृढ़ हैं और हमने ये बात पकड़ रखी है, इसलिए हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं है कि आज हम किसी और की तरफ देखती हैं, कल किसी और की तरफ, यानी हम मन क्रम वचन से श्री कृष्ण को ही केवल प्रेम करती हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी काना काना जकरी, जागत सोवत यानी जागते हुए सोते हुए, स्वप्न में दिवस निसी, दिवस मतलब दिन में, निसी रात को, दिन रात जागते सोते हम काना काना जकरी, हम काना काना का ही जाप करते रहते हैं, उठते जागते हमारे मुंह से काना ही निकलता है। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करवी ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी ना करी, यह तो सूरती ने लह सोपो जिनके मन चक्री। तो सुनत जोग लागत है ऐसो, तो गोपियाँ आगे कहती हैं कि तुम्हारा योग का संदेश सुन लिया है, और सुनकर हमें लागत है ऐसो, हमें ऐसा लगता है कि जैसे वो कड़वी ककड़ी के समान है। हमने कड़वी ककड़ी को, अब हम खा नहीं सकते ना, कड़वी ककड़ी को हम जैसे ही मुंह में जाती है कड़वी लगती है तो हम उसे थूक देते हैं, निगलते नहीं हैं उससे आगे, ऐसे योग का संदेश भी उनके ऊपर से जा रहा था, वो कह रहे हम इसको ग्रहण नहीं कर सकते। सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुने ना करी, कहते तुम अपनी तरफ से हमारे लिए व्याधि ले आए, व्याधि का अर्थ है पीड़ा, दुख ले आए हमारे लिए, यानी कि तुमने आकर हमारा दुख और बढ़ा दिया है। देखी सुने नहीं, तुमने ना हमारी देखी, ना कोई व्यथा देखी, नहीं कोई हमारी बातें सुनी नहीं, केवल हमें जो योग का संदेश सुना के यानी हमारा दुख और बढ़ा दिया है। यह तो सूर तीनी लह सोपो जिनके मन चक्री, तो सूरदास जी आगे कहती हैं कि गोपियों का ये कहना है कि ये तुम योग का संदेश उनको सौंपो, सौंपो का मतलब उनको जाके सुनाओ जिनके मन चक्री, यानी जिनके मन में चक्कर होता है, जिनके मन में एक निष्ठा नहीं होती अपने प्रेमी के प्रति, उनको जाकर सुनाओ, हमारे लिए तो सिर्फ श्री कृष्ण ही का प्रेम सब कुछ है। आगे सूरदास जी का चौथा पद है, हरि है राजनीति पर आए समुझी बात कहत मधु करके समाचार सब पाए। हरि, हरि मतलब श्री कृष्ण, श्री कृष्ण हैं, कहते तो हैरान होके कहते हैं श्री कृष्ण राजनीति पढ़ गए हैं, समुझी बात कहत मधु करके समाचार सब पाए, कि उन्होंने सारी बात कहकर समझा कर किसको भेजा है, मधुकर को। मधुकर का अर्थ यहाँ पर कौन है? उद्धव, जो श्री कृष्ण का मित्र है, उसको भेजा है समाचार सब पाए कि जाके तू गोपियों के सब समाचार ले आ। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, कि एक तो श्री कृष्ण जन्म से ही पहले ही बहुत चतुर थे, चालाक थे, अब ऊपर से तुम कहते हो कि उन्होंने गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं, यानी कि वो तो बहुत ज़्यादा पहले से भी 4 गुना अधिक चालाक हो गए। तो बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी,
योग संदेश पठाए। तो कहते हैं अब तो यानी उनकी बुद्धि, वो अपने आप को बहुत बड़ी बुद्धि मान रहे हैं, यानी अपने आप को बहुत समझदार मान रहे हैं, तभी तो उन्होंने हमारे लिए योग संदेश पढ़ाने के लिए भेजा है। हरि हैं राजनीति पढ़े आए, कि हरि यानी श्री कृष्ण अब राजनीति पढ़ आए हैं। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, कि मधुकर यानी उद्धव को सारी बात कहकर समझा दिए और हमारे समाचार जानने के लिए भेजा है। इक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, कि वो तो पहले से ही बहुत चतुर चालाक था, अब गुरु ग्रंथ पढ़ गया है तो बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पठाए। यानी अगर अधिक बड़ी बुद्धि उसकी हो गई है तो वो योग संदेश, वो हमें इतना अपने आप को ज्ञानी समझने लग गया है कि उसने हमें योग संदेश पढ़ाने के लिए भेजा है। उधो भले लोग आगे के पर हित डोलत धाए, उधो उधो को कहती हैं आगे व्यंग बाण कसती हैं उधो पर, कि भले लोग जो होते हैं आगे के, यानी कि पहले जमाने के जो भले लोग थे वो पर हित डोलत धाए, कि वो दूसरों की भलाई के लिए अपने सब काम करते थे कि जिसमें दूसरों का भला हो सके, पर हित मतलब सबका कल्याण हो सके, ऐसे कार्य करते थे। अब अपने मन फेर पाइए चलत जू होते चुराए, तो कहते हैं उसके अपने मन में ही फेर आ गया है, छल आ गया है श्री कृष्ण के मन में, चलत जू होते चुराए, जैसे बचपन में उसने वस्त्र चुराए थे ऐसे हमारा मन चुरा कर वो भाग गया है। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति चुड़ाए, तो वो हमें अनीति की बातें क्यों बताता है, क्यों समझा रहा है, जब वो खुद ही अनीति को छोड़ चुका है, अब अनीति की बात नहीं समझ रहा है, तो हमें अनीति और नीति की बातें क्यों सिखा रहा है। राजधर्म तो यह कहे सूर जो प्रजा न जाई सताए, तो आगे कहती हैं गोपियाँ कि मान लिया कि वो अब राजा बन गया है और राजधर्म अपना रहा है, तो भी वो कहती हैं सूरदास जी आगे कहते हैं कि राजधर्म तो यही सिखाता है कि प्रजा को दुखी नहीं करना चाहिए, राजा का धर्म है प्रजा का हाल जानने आए, प्रजा को ना सताए। तो हम अगर उस वो राजा सही, हम प्रजा सही, तो प्रजा होने के नाते भी उसे हमारा ध्यान रखना चाहिए।